वर्ण किसे कहते हैं? जल्दी से बताएंगे, आप भी बताइए, दूर दूर बैठ जाइए बच्चे, आप दूर दूर बैठेंगे, एक इधर बैठो एक इधर, बंद कर दीजिए। जल्दी बताएंगे वर्ण किसे कहते हैं? मैं भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक, बिल्कुल, भाषा की छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। अब क्या है तो आप फोन कर देना, क्लास चल रही है, बाद में फोन करेंगे आप, बाद में फोन करना, 1 बजे के बाद नहीं, 1:40 के बाद, जब आपकी फोन आए बोल देना। ठीक है, वर्णों से मिलकर क्या बनता है? वर्णों के मेल से, देखो ये आपका का, खा, गा, मा, ला, ये क्या है? वर्ण है। इनके मेल से क्या बनेगा? अरे वर्णों के मेल से क्या बन, शब्द, जैसे ये हम 3 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? कमल। और शब्दों के योग से क्या बनेगा? शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य, दूर दूर बैठिए, थोड़ा इधर कर लीजिए, शब्दों का सार्थक समूह हो गया वाक्य। ठीक, और फिर पद किसे कहेंगे? पद, वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाते हैं? पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। तो आज हमारा विषय रहेगा पद, और उन पदों का परिचय देना, उनकी व्याकरणिक इकाई क्या है, वो यहाँ किस रूप में प्रयुक्त हुए हैं वाक्य में, उन सब का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। तो आज का विषय हमारा क्या रहेगा बच्चों? क्या रहेगा? पद परिचय। पद परिचय। अब हमें पद परिचय करते समय सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि किसका पद परिचय देना है। जैसे मैं आज एक वाक्य लिख रही हूँ, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें कितने पद हैं? सबसे पहले हम वाक्य में देखेंगे कितने पद हैं। एक पद हमारा मोहन हो गया, दूसरा पद हमारा पुस्तक हो गया, और तीसरा पद हमारा पढ़ता है हो गया। 3 पद हो गए इस वाक्य में। आपको एग्जाम में आएगा कि रेखांकित पद का परिचय दीजिए। तो हमें सबसे पहले तो देखना होगा कि यहाँ पर इस वाक्य में मोहन संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या अव्यय है, या क्रिया विशेषण है, क्या है? जब हम पद परिचय देते हैं तो संज्ञा का देते हैं, सर्वनाम का देते हैं, विशेषण का देते हैं, क्रिया विशेषण का देते हैं, और अव्यय का देते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि मोहन क्या है? संज्ञा है, संज्ञा, संज्ञा। यदि हम इंग्लिश के हिसाब से सेंटेंस देखें तो यहाँ पे मोहन क्या है? नाउन। संज्ञा को क्या कहेंगे? नाउन। और सर्वनाम को क्या कहेंगे? प्रोनाउन। विशेषण को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। क्रिया विशेषण क्या कहेंगे? एडवर्ब। आपका बिल्कुल इंग्लिश जैसी ग्रामर ही हिंदी में है।
आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि इंग्लिश में आप बहुत जल्दी समझ जाते हो, पहचान जाते हो, ठीक उसी प्रकार हिंदी में है। अब हमें ध्यान देना है कि मौन क्या है, यहाँ पर संज्ञा है। अब हमें पता होना चाहिए बच्चों, आपको पद परिचय के लिए सभी चीज दोहरानी पड़ेगी। कैसे? जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं, उनकी सबकी पहचान, विशेषण क्रिया विशेषण आदि सभी को आप दोहरा लेंगे, तभी आपको ठीक से समझ में आ सकता है, तभी आप पद परिचय कर सकते हैं। अन्यथा मैं यहाँ पर कितनी बार आपको समझाऊं, जब तक आपको पहचान नहीं होगी तब तक आप पद परिचय नहीं कर सकते। तो आप बताइए संज्ञा कितने प्रकार की होती है, किसी को पता है? तीन प्रकार की। हाँ जी, कौन कौन सी? जातिवाचक व्यक्ति, ठीक है, जातिवाचक व्यक्तिवाचक आप भाववाचक सही बताइए आपने। तो यहाँ हमें नाम देना पड़ता है। देखो बच्चों, यदि हम संज्ञा का पद परिचय देते हैं तो हमें एक तालिका आपकी किताब में बनी हुई है, और मैंने जब आपको पहले समझाया था या जिस टीचर ने समझाया होगा वो बताया होगा संज्ञा की कैप का प्रकार। सबसे पहले संज्ञा का प्रकार देंगे, फिर लिंग देंगे कौन सा लिंग है, फिर क्या देंगे वचन देंगे कौन सा वचन है, कौन सा कारक है, और क्रिया का कर्ता से क्या संबंध है, क्रिया का संबंध। एक पद परिचय देने के लिए संज्ञा का हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। सबको समझ में आ गया? अब हमें पता है मौन क्या है, यहाँ पर संज्ञा। अब मैं इसे साफ कर देती हूँ। अब मौन का अब हम पद परिचय करते हैं। मैम वो नोट करना क्या वाक्य मोहन yes. पुस्तक, चलिए पढ़ता है, द्वारा समझा देती। अब यहाँ केवल मोहन का है, आपको तीनों का भी आ सकता है, पुस्तक का भी आ सकता है, पढ़ता एक वाक्य में एक का भी आ सकता है, जहाँ आपको जिसका पूछा जाए उसका करना है। अब जैसे मोहन है, अब मोहन में हम सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हमें संज्ञा का प्रकार देना है। आप बताइए कौन सी संज्ञा है मोहन? मैम व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। उसे कब कब पहचानेंगे, जब आपको उसकी परिभाषा पता होगी। सही बताया आपने, क्योंकि यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक है, एक ही व्यक्ति का परिचय दिया जा रहा है, तो आप लिखेंगे इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा मैंने बताया था आपको लिंग वचन कारक और संबंध क्रिया से, ठीक है। तो कौन सा लिंग है? मोहन पुस्तक पढ़ता है। पुल्लिंग। और यहाँ पर पत्नी है तो क्या हो जाता? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग हो जाता मैम। पुल्लिंग पुल्लिंग। और वचन कितना है? एक वचन या बहुवचन, दो होते हैं हिंदी में वचन, दो ही लिंग होते हैं हिंदी में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में हमारे तीन लिंग हो जाते हैं, नपुंसकलिंग भी हो जाता है और उसमें हमारा द्विवचन भी होता है, लेकिन हिंदी में हमारा यही रहेगा। टाइम बढ़िया जी खत्म होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद लिंग हो गया, वचन हो गया कारक। कारक का मतलब है यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है? कर्ता का, सब्जेक्ट का। इसमें मौन क्या है? सब्जेक्ट। और पुस्तक क्या है? ऑब्जेक्ट। और पढ़ता है क्या है? वर्ब क्रिया। तो
तो वर्ब को हिंदी में क्रिया कहेंगे और ऑब्जेक्ट को कर्म कहेंगे और सब्जेक्ट को कर्ता कहेंगे। तो कौन सा कारक है? कर्ता कारक। कर्ता कारक। अंतिम मैंने बताया था इसमें पांच चीज देनी होती है, एक दो तीन चार और पांचवी रह गई क्रिया से उसका संबंध। पढ़ता है क्रिया का कर्ता, पढ़ता है क्रिया का कर्ता, पढ़ता है क्रिया है यहाँ पर और इसका कर्ता क्या है? मोहन। क्योंकि हम मोहन का पद परिचय दे रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे पढ़ता है क्रिया का कर्ता। अब ये एक नंबर का मोहन का पद परिचय हुआ। यदि यहाँ पर पढ़ता है क्रिया का कर्ता दोबारा बता दीजिए। देखो ये जो क्रिया है कर्ता उसका कौन है? सब्जेक्ट उसमें कौन है? मोहन है। मोहन का हम परिचय दे रहे हैं परिचय, तो हम लिखेंगे पढ़ता है जो क्रिया है उसका कर्ता है मोहन। क्लियर हो गया? इस प्रकार हम यदि यहाँ पर वह आ जाता, वह पुस्तक पढ़ता है, तो वह क्या हो जाता? सर्वनाम। तो यहाँ पर वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता, उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम लिंग वचन कारक उसमें भी होता है और एक उसमें पुरुष और बदल जाता है कि प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है, उसमें एक इकाई और बढ़ जाती है। क्लियर? यस मैम। समझ में आ गया? तो कल आप पढ़ के आएंगे अपना क्या कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण तीन चीज पढ़ लेंगे, उनकी परिभाषा, उनके प्रकार, उनकी पहचान। उसके बाद संज्ञा का पद परिचय आपको समझ में आ गया हो तो ठीक, नहीं तो कल आप फिर सर्वनाम का करेंगे और मैं कल फिर से आपको संज्ञा का बता दूंगी यदि समझ में नहीं आया। घर जाके अभ्यास करेंगे, अपनी किताब खोलेंगे और उसमें से एक दो वाक्य लिखकर उसका अभ्यास करेंगे। क्लियर? और कुछ पूछना है? Yes. बोलो। संज्ञा का आ गया ठीक से? यस मैम। संज्ञा में तो कुछ नहीं पूछना, यदि पूछना होगा कल फिर बता दूंगी। ठीक है बच्चों, कल फिर आप पूछेंगे संज्ञा का। और यदि हम यहाँ पर वह होता तो क्या हो जाता? वो सर्वनाम। सर्वनाम ठीक है। और यदि पुस्तक का करें तो क्या होगा? अभी समय है उसमें। यदि हम पुस्तक का करेंगे तो पुस्तक क्या है यहाँ पर? संज्ञा। संज्ञा, शाबाश। कौन सी संज्ञा है? किसी वस्तु व्यक्ति अतिवाचक नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वस्तु व्यक्ति आ गया, ये वस्तु है, तो ये जातिवाचक संज्ञा। केवल आपका यहाँ पर क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। वचन कितना है? एक वचन। ये सब ऐसी रहेगा। और इसमें कारक कौन सा? अच्छा कारक बताइए। कारक इस बात कर्म कारक। मैम कर्म। कर्म कारक आपको समझ में आ गया? क्यों है कर्म? क्योंकि ये क्रिया का प्रभाव पुस्तक पर है, मतलब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। राम पुस्तक पढ़ता है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे, ट्रांसलेट करने क्या होगा? राम रीड्स द बुक, ये होगा ना। तो रीड क्या है? पढ़ना, क्रिया होगी आपके बारे में। और पुस्तक क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये कर्म है यहाँ पर। इस वाक्य में पुस्तक कर्म का काम कर रहा है तो इसलिए यहाँ पर कर्म कारक आएगा। और क्या अंतर होगा इसमें? हो जाएगा पढ़ता है क्रिया का कर्म। क्या होगा इसमें? पढ़ता है क्रिया का कर्म। ये पढ़ता है क्रिया का कर्ता था तो ये पढ़ता है क्रिया का कर्म होगा। तो इस प्रकार
वाक्य में जिस स्थान पर जो पद आ रहा है वो वहां पर क्या काम कर रहा है उसके अनुसार ही हम कारक लिखेंगे, उसके अनुसार ही उसका परिचय देंगे। क्लियर हो गया संज्ञा का? यस मैम। ठीक है, कल सर्वनाम का कराएंगे और उसमें संज्ञा में कुछ पूछना है तो कल फिर से पूछेंगे। हाँ।